हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश एकेडमी। तो हमारे पास प्रिंटर है इप्सन कंपनी का, इसकी सेटिंग को रीसेट करना है, सेटिंग को लोड करना है। तो कैसे कैसे प्रिंटर की सेटिंग चेंज करते हैं और कैसे अगर प्रिंटर की सेटिंग जो हो रखी पहले से उसको चेक करना है, उसको कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिंटर को ऑन करेंगे। ये हमारा ऑन ऑफ बटन है, इसको ऑन किया प्रिंटर को, ये ऑन करते ही इसकी एलईडी ग्लो हो गया, इसका मतलब प्रिंटर ऑनलाइन है। और अभी हम अगर से प्रिंट देंगे तो प्रिंट ये मिलेगा, इससे ऑनलाइन प्रिंटर हो रखा है। और प्रिंटर सेटिंग के लिए इसमें कुछ की भी दे रखी है जिनका हम इस्तेमाल करेंगे प्रिंटर सेटिंग में। तो ये कुछ फंक्शन इसमें टीयर ऑफ, LF, FF, लोड इजेक्ट, पॉज, प्रिंट आउट, पेपर आउट का ऑप्शन दिखाएगा। पेपर हमारा यहाँ से जो सेटिंग है उससे अगर दाएं बाएं जाता है तो पेपर आउट यहाँ पे LED ग्लो चलता है येलो कलर का, तो पेपर आउट होता है। फिर हम इसको दोबारा सेट करते हैं ताकि प्रिंट हो सके। यही है पेपर, अगर लॉक करना है हमें प्रिंट को, कहीं भी चलते चलते प्रिंट दे रहा है, प्रिंट चल रहा है, अगर लगा रहा है गलती से कोई गलत प्रिंट दे दिया है, रॉन्ग प्रिंट कमांड दे दिया है, तो उसको हम लॉक भी कर सकते हैं। यही है, पॉज कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, सारा इसमें फंक्शन है। तो पहले तो हमें यही देखना है कि इसकी प्रिंटर सेटिंग कैसे सेट की जाती है, कैसे चेंज करते हैं। इसमें कुछ की दे रखी है, फॉन्ट, माइक्रो एडजस्ट, ये पेपर आउट 3 सेकंड पॉज वाला भी दिखा रहा है इसमें। ये आइटम डाउन एरो की, आइटम अप एरो की, सेट, मीनू, रीसेट, ये कई सारे फंक्शन दे रखे हैं। तो मल्टी फंक्शन कीज हैं ये। अगर हम किसी सेटिंग को रीसेट करेंगे तो उसको एक साथ प्रेस करेंगे, अगर सेट करेंगे तब भी एक साथ करेंगे। हाँ, ये मीनू की भी है। अब सेटिंग को करने के लिए हम अगर उसके अंदर जाना होगा तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट माइक्रो एडजस्ट है, इनकी की को प्रेस करेंगे। तो ये मीनू की है, मीनू में अंदर जाने के लिए सेटिंग में सबसे पहले मीनू में जाते हैं, तो इसके लिए हम ये की प्रेस करेंगे। तो जैसे ही बीप का साउंड आएगा, अच्छा, तो इसका हम कवर हटा लेते हैं ताकि जो भी है सेटिंग हमारी उसको हम देख सकें। अभी हमारा इसमें सबसे पहले आया है लैंग्वेज सेटिंग, लैंग्वेज सेटिंग आया है जिसको इंग्लिश में अनेबल हो रखा है। और भी कई सारी लैंग्वेज हैं, आप देख पा रहे होंगे, इंग्लिश, फ्रांसिस, इटालियन, पुर्तगीज, कई सारी लैंग्वेज हैं। तो अगर हमें लैंग्वेज सेटिंग चेंज करनी है तो हम फॉन्ट की प्रेस करेंगे। अभी देखेंगे आप, इंग्लिश पे था फर्स्ट में आप देख पा रहे हो इंग्लिश में था, अभी फ्रांसिस पे आ गया। दोबारा दबा देंगे तो फॉन्ट की को फिर से दबाएंगे, अभी देखो अभी इटालियन पे आ गया है। तो ये हमारा क्या है, नेक्स्ट का काम कर रहा है आगे बढ़ने के लिए ऐसे। तो हमें इंग्लिश में काम करना होता है तो हम क्या है, इंग्लिश में रखते हैं। इसके लिए अभी सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेट बटन को प्रेस कर दिया तो हमारा ये इंग्लिश लैंग्वेज सेट हो गया। अभी हमें और भी कई सेटिंग में अंदर जाना है चेंज करने के लिए, तो फॉन्ट को प्रेस करेंगे। पेज लेंथ, फॉन्ट ट्रैकर, स्किप ओवर, ट्रांसफॉर्मेशन, कई सारी सेटिंग है ना, ऑटो टीयर ऑफ, तो कोई भी सेटिंग हमें चेंज करनी होगी। मान लो हमें अब इसका देखिए, अभी इंटरफेस मोड दे रखा है, इंटरफेस मोड को चेंज करना है जो कि अभी ऑटो हो रखा है, इंटरफेस मोड ऑटो हो रखा है, हमें इसको चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये सेट बटन को प्रेस करेंगे। अभी देखिए पहले ऑटो था, अभी क्या है, इंटरफेस मोड पैरेलल आ गया है। नेक्स्ट प्रेस किया तो सीरियल आ गया है। अभी नेक्स्ट प्रेस करेंगे ये सेट की को तो USB आ गया। तो ये हमारा इप्सन कंपनी का प्रिंटर है, इसमें कई टाइप के जो प्रिंट मोड है, पैरेलल, सीरियल, USB। तो जनरली हम प्रिंटर को ऑटो में रखते हैं क्योंकि हम मल्टी इक्विपमेंट के यूज करते हैं, किसी भी अगर कंप्यूटर से प्रिंट लेना, लैपटॉप से, तो USB पर रखेंगे, और भी अदर इक्विपमेंट होते हैं तो सीरियल या पैरेलल पे प्रिंट देना होता है, तो जनरली हम ऑटो पर रखते हैं। तो अभी अगर हमें मान लो ऑटो से हटा गया, इसको सीरियल पे रखा, तो अभी सेटिंग को इस सीरियल पे रखने के लिए हमें क्या करना होगा, इस मीनू की को
इसको एक साथ प्रेस किया, इसको एक साथ प्रेस किया, अभी हमारा क्या है ये सेटिंग लोड हो गया, ये सेटिंग हमारा इसमें लोड हो गया। अभी हम अगर चेक करेंगे तो हमें सीरियल मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार सेटिंग करने के बाद हमें इसको प्रिंटर को ऑफ करना पड़ता है। प्रिंटर को दोबारा से ऑन करते हैं। प्रिंटर को दोबारा ऑन किया हमने, अब प्रिंटर को हमने दोबारा ऑन कर दिया। फिर से हमें मेनू में अंदर जाने के लिए ये दोनों की एक साथ प्रेस करनी पड़ेगी। जैसे ही बीप साउंड आएगा छोड़ देंगे। इंग्लिश लैंग्वेज हमारी सेट हो रखी है, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज हमारी सेट हो रखी है, तो हम सेट पे प्रेस कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमें जो अभी सेटिंग चेंज की हमने उसको देखना है तो इसको प्रेस कर देंगे सेट बटन को एक बार। सेट बटन को एक बार प्रेस करने से जो सारी प्रिंटर सेटिंग जो ऑलरेडी हो रखी है चेंज की है उसको हम देख पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी जस्ट आपने देखा जो इंटरफेस मोड था ऑटो पे पहले हमारा था, अभी सीरियल पे आ गया। अभी हमने चेंज किया, सीरियल पे आ गया। इसको फिर से चेंज करके दिखाएंगे। अभी नेक्स्ट मान लो कि बॉड रेट है, प्रिंटर स्पीड में ये बॉड रेट दे रखा है 96,000 है, इसको भी चेंज करके दिखाता हूँ। तो जो भी सेटिंग है इनका यही तरीका चेंज करने का है। तो सबसे पहले वही है, प्रिंटर को ऑन किया, मेनू में अंदर जाने के लिए इसी प्रेस किया और हमारा इंग्लिश सेट हो रखा, सेट कर दिया। अब हमें किसी भी सेटिंग में जाने के लिए क्या करना है, फ़ॉन्ट की दबाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, फ़ॉन्ट की दबाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अभी हमारा हो रखा है इंटरफेस मोड सीरियल, देखिए आप सीरियल हो रखा है, नहीं तो इसको हम अभी चेंज कर देते हैं। हम फ़ॉन्ट की से आगे जा रहे थे, जो आइटम डाउन है इससे हम आगे जाते हैं। बैक आने के लिए हम आइटम अप है जो एरो उसको प्रेस करेंगे तो फिर से आ जाएंगे। अभी हमारा सीरियल मोड था, सीरियल मोड इसको अगर चेंज करना होगा, चेंज करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही काम, सेट बटन, यूएसबी आ गया है, ऑटो आ गया। अभी ऑटो आ गया है तो हम क्या करेंगे, इसको मीनू की को एक साथ प्रेस कर देंगे, ये बीप साउंड आ गया, तो ये हमारा सेटिंग क्या है, लोड हो गया। एक सेटिंग होने के बाद हमें क्या है, प्रिंटर को ऑफ करना पड़ता है। इस प्रिंटर को हमने ऑफ कर दिया, दोबारा ऑन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वही है, प्रिंटर सेटिंग में अंदर जाने के लिए मेनू दबाया, सबसे पहले लैंग्वेज सेटिंग आता है, तो देखिए इंग्लिश सेट हो रखा है। अभी ये हो गया, लैंग्वेज हमारा सेट हो गया इंग्लिश। अभी आगे बढ़ने के लिए फ़ॉन्ट की प्रेस करेंगे फिर से फ़ॉन्ट की। तो जो भी सेटिंग चेंज करनी है, अभी मैं आपको बता रहा था कि बॉर्डर रेट कैसे चेंज करना है, तो जैसे ही हम बॉर्डर रेट पे आएंगे तो ये आ गया हमारा बॉर्डर रेट 96,000 आपको बताया था, देखो 96,000 ये हमारा यहाँ पे दिख रहा है। इसको चेंज करना है तो पहले आगे बढ़ने के लिए फ़ॉन्ट प्रेस कर रहे थे, अभी हमें चेंज करने के लिए क्या करना होगा, माइक्रो एडजस्ट का ये अप एरो की दबाएंगे, तो ये हमारा देखो 48 कितना आया, 48,000 आ गया। अभी मान लो हम 24,000 करना है इसका, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, चेंज करना है तो ये एक साथ दबाएं की को, और जैसे ही बीप साउंड आएगा तो ये हमारा सेटिंग हो जाएगा। अभी आप देखेंगे ये 24,000 पर अंडरलाइन मिलेगा और हमने जो इंटरफेस मोड है ऑटो किया उस पर अंडरलाइन आएगा जैसे सेटिंग चेंज करेंगे। कोई भी सेटिंग लोड करने के बाद हमें प्रिंटर को क्या है, ऑफ़ करना पड़ता है, तो प्रिंटर को ऑफ कर दिया और हम इसको फिर से ऑन करते हैं। तो जैसे ही हमें एंटर करना है तो ये हम एक साथ की प्रेस करेंगे, मेन्यू की, लैंग्वेज सेट हो रखा अपना, लैंग्वेज पे जाएंगे। अभी हमें सारी सेटिंग को देखना है एक साथ, ठीक है, तो ये सेट बटन को दबाएंगे तो सारी सेटिंग एक साथ हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी, जो ऑलरेडी सेट हो रखी है या जो अभी हमने चेंज की है वो सारी की सारी सेटिंग को आप देख पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी जो हमने सेटिंग में चेंज किया है आप देखेंगे, इंटरफेस मोड हमने चेंज किया था,
अभी आपको चेंज करके दिखाया था, अभी ऑटो पे हो रखा हमारा इंटरफेस मोड ऑटो पे। उससे पहले हमने कहाँ किया था इसको चेंज, चेंज करके हम सीरियल पे गए थे। इंटरफेस मोड आप देखेंगे, इंटरफेस मोड सीरियल, सीरियल देख रहे हैं, हमने चेंज किया था अभी, पहले ऑटो पे था फिर सीरियल किया, फिर से हमने इसको इंटरफेस मोड, फिर से हमने क्या कर दिया इंटरफेस मोड, फिर से ऑटो पे कर दिया है। अभी हम देखेंगे बॉर्डर रेट, 24,000, इससे पहले हमारा कितना था बॉर्डर रेट, इससे पहले हमारा था, देखिए अंडरलाइन किसके ऊपर है, बॉर्डर रेट, ये हमारा बॉर्डर रेट, बॉर्डर रेट देखेंगे आप, बॉर्डर रेट 96,000। अभी हमारा है रिसेंटली जो हमने चेंज किया है वो है 24,000। तो ऐसे हम प्रिंटर की सेटिंग को चेंज करते हैं। तो आई होप ये प्रिंटर यूज़र के लिए हेल्पफुल होगा जो सेटिंग में जिसका हमने अभी बात किया है। तो इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें अगर पसंद आता है तो। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।